हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूजेस, डोसेस, बेनिफिट्स, आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इसे लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर भी अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके किसी इलाज के लिए लिख कर दे रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम स्पेडडी टैबलेट का रिव्यू देख रहे हैं। इसमें आपको मिल रहे हैं दो कंटेंट कॉम्बिनेशन, एक आपको मिलता है सारटीपेप्टिडस और दूसरा आपको डाइक्लोफिनेक इसमें मिल जाता है। ये एक पेन किलर दवा है, तो आपकी किसी भी तरह के दर्द को कम करती है। जैसे एक्सीडेंटल कोई चोट लग गई है, सर्जरी के दर्द है, चोट में बहुत ज्यादा सूजन और दर्द दोनों है, और साथ ही में बैक पेन के दर्द होंगे, आपको पैरों के दर्द होंगे, जोड़ों के दर्द होंगे, अकड़न के दर्द होंगे, जैसे नींद में गर्दन अकड़ जाती है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, किसी भी तरह के दर्द को 5-10 मिनट के अंदर आपको आराम देगा। बहुत ज्यादा यूजफुल टैबलेट है, लेकिन इसको लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको घर में रखकर ले रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घर में ले रहे हैं तो आपको इसको 2-3 दिन से ज्यादा या फिर हफ्ते 2 हफ्ते इस तरह से बिल्कुल नहीं लेना है। ये एक पेन किलर है, तो आपकी किडनी फेलियर हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है। जब आपका दर्द है तब आप इसको ले सकते हैं, बाद में आप इसको बंद कर देंगे। अब इसमें आपको दो कंटेंट कॉम्बिनेशन आते हैं, एक आपको आ रहा है इसमें सारटीपेप्टिडस, तो ये आपके ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो आपको दर्द पैदा करते हैं, और दूसरा आपको डाइक्लोफिनेक आता है, तो ये आपके दर्द के साथ साथ आपकी सूजन को भी कम करता है। ये एक नॉन स्टेरॉइड दवा है, तो आपको ऐसे केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करने का काम करता है जो सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन, स्किन लाल होना, इस तरह के स्किन में अगर कुछ लग जाता है आपके तो स्किन देखो पूरी ऊपर से लाल हो जाती है, धब्बे से आ जाते हैं, तो ये सभी को कम करने का काम आपके लिए करता है। डाइक्लोफिनेक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपको ये सिंगल कंटेंट में भी अवेलेबल हो सकता है, ये टोटली आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर घर में ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करना है, इसको आप खाने के साथ या बिना खाए दोनों तरीके से ले सकते हैं। लेकिन इसको खाने के साथ लेने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, पेट दर्द नहीं होता है, इसको रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं अगर आप इसको खाने के साथ ले लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी आते हैं, जैसे सूजन होना चेहरे पर। अब जो भी लोग ऐसे होते हैं ज्यादा टैबलेट्स या फिर ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते, उनको जल्दी से रिएक्शन हो जाते हैं, चेहरे पर सूजन आ जाती है, धब्बे आ जाते हैं, हाथ पैरों में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो ऐसे में आपको याद रखना है कि इस टैबलेट को आप बंद कर देंगे तो ये सभी लक्षण चले जाते हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सूजन है, गैस बनना, चक्कर आना, उल्टी होना, मिचली होना, अपच होना, खुजली होना, सरदर्द होना, इस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, ये कॉमन रिएक्शन है, अपने आप चले जाते हैं। इसको टैबलेट को बंद कर देंगे तो ये अपने आप चले जाएंगे, लेकिन इसे लेने से चक्कर भी आ सकती है और नींद भी आ सकती है, तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर इसको ड्राइविंग के दौरान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है, हार्ट से रिलेटेड कोई आपको मेडिसिन चल रही है, या फिर आपको किडनी से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है, किडनी लीवर के आप पेशेंट है, तो डॉक्टर को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर तो आप इसको घर में रखकर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब फ्रेंड्स, अल्कोहलिक लोगों के लिए भी असुरक्षित है, तो अगर ऐसे अल्कोहलिक लोग इसको अल्कोहल के साथ लेंगे तो ऐसे लोगों को चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, तो अल्कोहल के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। किडनी लीवर के पेशेंट जैसे मैंने बताया, सलाह डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेडमैन और कंपनी की, बहुत सी कंपनी आपको यही सेम कंटेंट बनाकर दे देगी, किसी भी कंपनी का सेम कंटेंट लीजिए, काम बिल्कुल आपको एक जैसा मिलने वाला है। मेडमैन और की अगर बात करेंगे तो 10 टैबलेट की आपको 1 स्ट्रिप मिलने वाली है, 1 स्ट्रिप की कीमत 153 रुपीज 153 रुपए की आ रही है, अभी भी चल रही है एक्सपायरी में। अगर आप सेम इसी कंपनी का यही प्रोडक्ट लेने जाओगे तो यही प्राइस आपको मिलेगी। अगर आप अदर कोई कंपनी का सेम प्रोडक्ट लेने जाओगे, काम बिल्कुल एक जैसा मिलेगा लेकिन प्राइसिंग में फर्क मिलेगा, क्योंकि हर कंपनी के अपने अपने प्राइस होते हैं, हल्का सा उतार चढ़ाव मिल सकता है प्राइसिंग में, बाकी माइनर सा फर्क होता है, बहुत ज्यादा वाला फर्क इसमें नहीं होता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बता देना, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। किसी और मेडिसिन का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो एक बार विजिट जरूर करना, यहाँ पर आपको हर मेडिसिन का रिव्यू मिलता रहता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।